Hello friends, welcome back to Pooja Creation. I am Pooja. In this video, I am sharing with you plants for beginners. जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ plants beginners के लिए, जिन्होंने अपना garden अभी तक create नहीं किया है, करना चाहते हैं, planting करना चाहते हैं, but उन्हें अभी plants के बारे में knowledge नहीं है कि वो कैसे grow करें, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा video perfect है. फर्स्ट मैंने ले लिया ये सेंसिवीरिया. सेंसिवीरिया स्नेक प्लांट भी कहते हैं. इसमें काफी सारी वैरायटीज आती है. मेरे पास ये दो वैरायटीज हैं और इनकी अगर बात करें तो आप इसे गार्डन सॉइल और कंपोस्ट में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं. बेस्ट अगर सारे प्लांट्स के लिए मैं सॉइल की बात करूं तो सारे प्लांट्स में आप इसमें भी कर सकते हैं वो यूज. 25% वर्मी कंपोस्ट, 25% आप कोकोपीट ले लीजिए, 25% आप गार्डन सॉइल ले लीजिए और 25% आप सैंड ले लीजिए. तो ये आपका वेल ड्रेन्ड सॉइल मीडिया बनके रेडी हो जाएगा सारे प्लांट्स के लिए. अब वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग आप इसे मंथ में 3 times भी करेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा. ये लो लाइट में भी सर्वाइव कर जाता है और आप इसे इनडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं. ये एयर प्योरीफायर प्लांट है जो बहुत ही बेस्ट है आपके रूम के लिए, या आप बाहर भी रखेंगे तो बहुत अच्छा. और बहुत हार्डी प्लांट है तो बिगनर्स के लिए तो मैं फर्स्ट चॉइस बताऊंगी. नंबर वन प्लांट है स्नेक प्लांट. बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट लगता है ये और ये एयर प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज भी है. तो आप इसे मस्ट परचेज कीजिए. बिगनर्स के लिए A1 प्लांट है ये. और इसमें काफी सारी वैरायटी आती है. इसकी सर्कुलेंट वैरायटी भी आती है. छोटे स्मॉल टेबल टॉप के लिए भी आते हैं छोटे स्मॉल साइज के सर्कुलेंट प्लांट्स. तो बिगनर्स इसे मस्ट बाय कीजिए. सेकंड प्लांट है मेरा एलोवेरा. एलोवेरा भी बहुत अच्छा प्लांट है बिगनर्स के लिए. बहुत हार्डी प्लांट है ये. इसकी अगर वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग आप इसे 3-4 days में भी करेंगे. इनडोर आउटडोर जहां भी रखे अच्छे से चलेगा. बस आप इंडोर इसे रखें तो आप इसे ऐसी जगह पे रखें जहां इनडायरेक्ट विंडो से लाइट आती हो, सनलाइट आती हो, या रूम में आपके लाइट ऑन रहे हो. और थोड़े टाइम के लिए फिर इसे बाहर रख दीजिए, जैसे इवनिंग में रखिए. और क्योंकि डायरेक्ट आप धूप में रखेंगे प्लांट्स को तो उन्हें अंदर की आदत पड़ी रहती है, उन्हें फिर बाहर रखते हैं तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है उनके लिए. और आप फिर एक दिन उसे बाहर रहने दीजिए, देन सेकेंड थर्ड डे आप इसे दोबारा अंदर लेके आ जाइए. ये भी एयर प्योरीफायर प्लांट है. काफी प्रॉपर्टीज होती है इसमें. ब्यूटी के लिए भी ये, कॉस्मेटिक की चीजों के लिए भी यूज होता है. तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बिगनर्स के लिए और इसकी भी ज्यादा केयर करने की आपको नीड नहीं होती है. तो सेकेंड प्लांट मेरे लिए आपके लिए लिस्ट में है एलोवेरा का प्लांट. देखिए ये सारे मेरे DIY पॉट्स है, उन्हीं में मैंने ये ग्रो किया है. अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो मेरी प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूंगी, वहां से आप चेकआउट कर लीजिए. बहुत हार्ड प्लांट होता है ये. और अब मेरा थर्ड प्लांट है मनी प्लांट. मनी प्लांट को पोथो भी कहते हैं और इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं. एक प्लांट लाएंगे इससे ना सीरियसली बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं. मैं भी ये कटिंग लेके आई थी और इससे मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए हैं. बहुत ही अच्छा वाइन वाला प्लांट है. इसे आप वाटर में, सॉइल में, दोनों में ग्रो कर सकते हैं. सॉइल मीडिया मैंने आपको बताया. इसे भी आप अगर गार्डन सॉइल और कंपोस्ट में करेंगे तो उसमें भी अच्छे से ग्रो हो जाएगा. बहुत अच्छा हार्डी प्लांट है. इसके आप कटिंग भी लगा सकते हैं. बस थोड़ा सा कटिंग करिए, इसे डिप करिए, इसमें रूट्स अपने आप ही डेवलप हो जाती हैं. बहुत ही अच्छा प्लांट है. एयर प्योरीफाइंग प्लांट है. इसे आप इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं. तो बिगनर्स के लिए थर्ड प्लांट है मनी प्लांट. इसमें भी काफी वैरायटीज आती हैं. ये मेरा प्लेन है, प्लेन पोथोस है. इसमें आपको लाइट पैरट कलर में आता है और बीच में स्पॉट्स होते हैं उसमें आता है. तो काफी सारी वैरायटीज हैं इसमें. तो ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा थर्ड प्लांट है मेरी तरफ से. तो फ्रेंड्स मेरा फोर्थ प्लांट है ये सिंगोनियम प्लांट. मेरे पास इसकी दो वैरायटी है, एक डार्क ग्रीन कलर है, एक पैरट कलर है. दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं. और इसकी और भी वैरायटीज होती है. पिंक कलर में आता है. इसे आप वाटर में, सॉइल में, दोनों में ग्रो कर सकते हैं. ब्यूटीफुल ये एक वाइन प्लांट है जैसे मनी प्लांट होता है. इसकी आप एक प्लांट से कटिंग से भी ग्रो हो सकता है. आप एक प्लांट लाइए, इससे बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं. आप कटिंग कर करके इसको बहुत सारे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मैंने भी बहुत सारे किए हैं. और अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल मैंने आपको बता चुकी हूँ. वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग आप पहले इसमें देख लीजिए ऊपर से,
कि अगर आपको मिट्टी आपको ड्राई लगे तो आप उसमें फिंगर डिप करके देखिए, अगर आपको 2 इंचेस तक मिट्टी ड्राई लगे तभी आप वाटरिंग कीजिए किसी भी प्लांट के लिए, ये सभी प्लांट के लिए बता रही हूँ मैं। और अगर इस पे वाटरिंग की बात करें तो आप 2 दिन में से वाटरिंग कीजिए, तो ये हर 2-2 दिन बाद इसे वाटरिंग कीजिए, अच्छे से ग्रो करेगा और एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और देखिए कितनी ब्यूटीफुल लीव्स है इसकी, आप इसे मॉस स्टिक के सहारे या हैंगिंग प्लांट में भी लगा सकते हैं। ये मॉस स्टिक मैंने घर में DIY करी है, अगर आपको भी सीखना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। इसे हैंगिंग बास्केट में लगाए बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ये है मेरा नेक्स्ट प्लांट, ये है स्पाइडर प्लांट, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसे मनी प्लांट को, सिंगोनियम प्लांट को, ये सब हैंगिंग बास्केट वाले बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। इसे भी आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ये एक प्लांट चाहे आप रूट डिवीजन से भी कर सकते हैं, और ये इसके रनर है छोटे छोटे, तो इन रनर से भी कर सकते हैं। वाटरिंग की बात करें तो इसमें भी आप 2 या 3 डेज में वाटरिंग करिए, ओवर वाटरिंग किसी भी प्लांट्स में आपको नहीं करनी है। आपको मैंने फिंगर का बता दिया, देखिए कितनी ड्राई है ये सॉइल, मैंने अभी तक इसमें वाटरिंग नहीं करी है, 2 डेज हो चुके हैं। आप फिंगर डिप कीजिए सॉइल में, और आपको 2 इंचेस तक अगर ड्राई लगे तभी आप वाटरिंग करिए। आप 2-3 बार ऐसे करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ये इसकी टिप्स जो ब्राउन हो रही है, ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग की वजह से होती है। तो इसके एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगाइए। ये भी एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, ये सारे आपको जो मैं बता रही हूँ सारे एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट्स है। देखिए ये रनर से भी कर सकते हैं आप, और इसे आप वाटर या सॉइल दोनों में कर सकते हैं ग्रो, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। और हर प्लांट्स की नीड अलग होती है, वो अंदर है तो उसको कम वाटरिंग चाहिए, बाहर है तो उसे ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये ब्यूटीफुल सा पाम प्लांट, ये मेरा अरेका पाम का प्लांट है, बहुत ही ब्यूटीफुल हार्डी प्लांट होता है बिगनर्स के लिए। आप इससे भी एक से बहुत सारे बना सकते हैं, नीचे से इसके पप्स आते रहते हैं। अगर वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग आप इसे 3 डेज में या 2 डेज 3-4 डेज में 1 टाइम कीजिए तो ये अच्छे से चलेगा। इसे डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए, इसे आप जहाँ हल्के शेडी एरिया में रखिए जहाँ हल्की सी धूप आती है, स्पाइडर प्लांट के लिए भी और इसके लिए भी यही रूल है। इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए, और देखिए कितना ब्यूटीफुल प्लांट है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है ये, आपके किसी भी कॉर्नर को फुलफिल कर देता है। नेक्स्ट प्लांट है ये मेरा 7th प्लांट है, ये मेरा लकी प्लांट भी बोलते हैं, इसे जेट प्लांट भी बोलते हैं, और ये एक सर्कुलेंट फैमिली का प्लांट है। देखिए इसकी लीव्स कितनी मोटी है, इसमें भी आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। वाटरिंग की बात करें तो इस पे आप वीक में 1 टाइम इसे वाटरिंग कर दिए, और इसे फुल सनलाइट में रखिए, इसको कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे से ग्रो करता है ये। इवन ये अंदर थोड़ा डाउन पड़ जाता है, बट बाहर ये धूप में सनलाइट में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये मेरा 8th प्लांट है, ये पर्पल हार्ट, इन दोनों में सेम कंडीशन है, इनको वाटरिंग की नीड कम होती है, इसे भी एक हफ्ते में एक बार कर दीजिए। और अगर आप एक प्लांट लगाते हैं ना कटिंग से ये, तो बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं, पूरा पॉट फिल हो जाता है, इसीलिए दोनों सेम कंडीशन है इनमें वाटरिंग का और सनलाइट का, तो इसलिए मैंने इन्हें एक ही पॉट में ग्रो कराए। ये मैं भी कटिंग लाई थी और एक से मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए हैं, काफ़ी बड़ा हो गया इसके, और भी कटिंग मैंने और जगह लगाई हुई है, वो भी अच्छे से चल रही है। और कटिंग आप हमेशा रेडी सीजन में करिए तो अच्छे से आपकी कटिंग चलेगी। ये जेट प्लांट की भी आप कटिंग कर सकते हैं और पर्पल हार्ट की भी, दोनों की कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे हार्डी प्लांट है, बिगनर्स के लिए बेस्ट प्लांट है, देख और बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। नेक्स्ट प्लांट है मेरा ड्रेसिना का, ड्रेसिना की काफ़ी वैरायटीज आती हैं मार्केट में, बहुत सारे हैं, इतने ब्यूटीफुल, इनको फ्लावर्स की जरूरत नहीं होती, इनकी लीव्स इतनी ब्यूटीफुल होती हैं। देखिए ये भी एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, वाटरिंग की बात करें तो आप इसे 3-4 डेज में इसमें भी वाटरिंग कर दीजिए, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है किसी भी प्लांट में, और बहुत ही ब्यूटीफुल हार्डी प्लांट है, एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, अब बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा। आप इसे इंडोर रखिए, डायरेक्ट सनलाइट से इसे बचाइए, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, सुबह शाम की सनलाइट आए वहां रखिए उस एरिया में हल्की लाइट। नेक्स्ट प्लांट है मेरा लास्ट 10th प्लांट है, ये है डेसिना का, सॉरी डेफिन का,
तो डेफिन का बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, इसकी लीव्स इतनी ब्रॉड होती हैं, शाइनी, बहुत अच्छा लगता है। इसका भी एक प्लांट लाइए, नीचे से छोटे छोटे पप्स निकलते रहते हैं इसमें, तो एक से बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं। ये भी एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है। वाटरिंग की बात करें तो 3-4 डेज में इसे भी वाटरिंग कीजिए, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अगर आप कोकोपीट डाल रहे हैं, कोकोपीट ऑलरेडी वाटर कंटेन करके रखता है, होल्ड करके रखता है, तो उस केस में इनको वाटरिंग कम करनी है आपको। इसे भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखिए आप, तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, अच्छे से ग्रो करता है, ये अच्छे से चलता है, किसी भी कॉर्नर को फिल करने के लिए ये और एरिका पाम बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।